हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद प्रीति। आज आम मैंने ओडिशा हिस्ट्री सीरीज रे आगे बढ़ी पढ़ा गंग डायनेस्टी। या पूर्व आम खारवेल और सोम डायनेस्टी शेष कर देचु। जदि आपण मैंने सोम डायनेस्टी और खारवेल क्लास देखी ना, तो डिस्क्रिप्शन लिंक जाए आपण मैंने ओडिशा हिस्ट्री सीरीज देखिपर। आज आम पढ़ा गंग डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी कौन? गंग डायनेस्टी बैकग्राउंड फर्स्ट आम बुझा। गंग डायनेस्टी हूँ ओडिशा डायनेस्टी से नुहे, से हूँ साउथ इंडियन, से साउथ इंडियन डायनेस्टी। कौटर? महीशूर। महीशूर से अधिवेश महीशूर वेस्टर्न गंग डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी को दुई भाग विभक्त करके पढ़ा जाए। महीशूर सैड्रे साउथ इंडिया जो गंग डायनेस्टी शासन करेस्टर्न गंग डायनेस्टी से वंश वृद्धि करके ओडिशा पर्यंत आसिक आमको शासन कले राजा हो से ईस्टर्न गंग डायनेस्टी कहगला। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी को ही आम पढ़ा, कारण आम ओडिशा परस्पेक्टिव ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ही इंपोर्टेंट। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी फाउंडर जब देखा टाइम पीरियड जब देखा 1038 ख्रीटाब्द रु 1434 ख्रीटाब्द पर्यंत दीर्घ पाखापाखी 400 वर्ष काल से निज शासनभुक्त कर रखिंट। तार फाउंडर जब देखा कमर नाभ होती ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। जेहेतु आम ईस्टर्न गंग डायनेस्टी इंपोर्टेंट आम ओडिशा परस्पेक्टिव रे, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी फाउंडर होती कमर नाभ। कौन नाम ना? कमर नाभ। ओके, या पूर्व ओडिशा नाम उत्कल थिला। चोल गंग देव सरी गंग डायनेस्टी पूर्वर ही उत्कल नाम कलिंग थिला। कहुए के लोक के ऐतिहासिक मानवा अनुसार गंग डायनेस्टी पूर्व ही ओडिशा नाम चेंज हो उत्कल उड्रेला। मुख्यतः गंग पीरियड ओडिशा नाम उड्र कलिंग सरी उड्र उत्कल रिप्लेस है। कैपिटल जब देखा फास्ट थी कलिंग नगर, तापर कलिंग नगर रु सीठ अभिनव वाराणसी कटक को आसला। कलिंग नगर जब कह कलिंग नगर डिफरेन्ट डिफरेन्ट कलिंग नगर जो संज्ञा रही है डिफरेन्ट डिफरेन्ट। खारवेल समय जब कलिंग नगर देखा तो भुवनेश्वर भुवनेश्वर पार्श्वर्ती अंचल ही होता है। जाजपुर को कलिंग नगर कह जाए, कि चोल गंग डायनेस्टी टाइम जो कलिंग नगर ये कलिंग नगर हूँ आंध्र प्रदेश सिक्काकुलम गोटे जिला अच्छी से सिक्काकुलम एरिया को ही मुख्यतः से समय कलिंग नगर कहला जहाँकि कैपिटल थी। चेंज करके चेंज है क्या पीरियड चेंज है आगे पढ़ा अभिनव वाराणसी कटक। यार नाम अभिनव वाराणसी कौन पे ना वाराणसी तो थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में समस्त जानते वाराणसी पर कटक थी से ना अभिनव वाराणसी कटक रखा जाता है। ये कटक को ये हूँ मॉडर्न कटक बर्तमान ये हूँ बर्तमान मॉडर्न कटक। ये गंग डायनेस्टी। तापर गंग डायनेस्टी जितकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट किंग आम ओडिशा परस्पेक्टिव विषय में देखा। फास्ट है अनंत वर्मन पंचम। या पूरा नाम जब देखा वज्रहस्त अनंत वर्मन पंचम विहीन। से पूर्व कौ मैंने थे सोमवंश राजा मैंने शासन करते पीरियड पर्यटन सोमवंश मानक अस्तित्व कमी से जो दुर्बल राजा गुड़िक स्थान स्थान शासन चली आने जो निजक महाराजाधिराज परम भट्टारक परम महेश्वर व त्रिकोणांगी अधिपति उत्पाधि निजक घोषित करुले। राजा मैंने चोड़ गंगवंश राजा मैंने निजक से उत्पाधि सब घोषित करने लगे। अनंत वर्मन पंचम घोषित करने को लगे वज्रहस्त अनंत वर्मन पंचम नाम। से कलिंग देखा कलिंग कौ कौ एरिया को मुख्यतः बुझाऊ उत्कल। उत्कल कौटा को ओडिशा नॉर्थ साइड को मुख्यतः कलिंग कहला सरी उत्कल कहला कोंगड़ कहला कोई को कोस्टल ओडिशा को कोस्टल एरिया जीपर कि पुरी गंजाम जी आम रही कोस्टल एरिया से कोस्टल ओडिशा को आम कोंगड़ कहला। कोसल तो आम वेस्टर्न सोमवंश में पढ़े वेस्टर्न ओडिशा को ही कोसल कहला। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आउ छत्तीसगढ़ बिलासपुर रायपुर और रायगढ़ किसी अंचल को धरी कोसल राज्य थिला। एई तीन टी जगह को मुख्यतः से कलिंग कहला। आसे अनंत वर्मन पर आसे पंचम देवेन्द्र वर्मन राजा राजा
देव तांकर टाइम पीरियड है 1070 AD रु 1077 AD बहुत कम समय से राजत्व कर कम समय मध्य डिफिटेड चोड़ किंग कुलतुंग चोड़ टू से चोड़ को चोड़ कहला चोड़ मान मुख्यतः तमिलनाडु एरिया शासन करते चोड़ वंश राजेन्द्र चोड़ ये सब आम पढ़े चोड़ वंशर कुलतुंग चोड़ को से डिफिकल्ट हरते कि देवेन्द्र वर्मन राजा देव तक टाइम पीरियड है 1070 रु 1077 देखा अनंत वर्मन चोड़ गंग देव जी गंग वंशर सबुठी इम्पोर्टां देखा कौ राजा विषय में अनंत वर्मन चोड़गंग देव कहीं सबुठ प्रोमिनेंट वर्क सबुठ इम्पोर्टां काम हूँ से आम प्रिय समस्त अति आदर भगवान आम समस्त अस्तित्व प्रभु जगन्नाथ मंदिर से होती आरंभ कार्य मंदिर कार्य आरंभ कर अनंत वर्मन चोड़गंगा देव चोड़गंगा देवंकर टाइम पीरियड मध्य बहुत बड़ बहुत समय पर्यंत से शासन कर 1078 AD रु 1147 AD पर्यंत से शासन कर भितर कौन है से जेहेतु कोशल कोशल है सोम वंश राजा मान कोशल पटु से वेस्टर्न साइड रू आसते चोड़गंगा देव कितना कौपट आदर्न साइड रू आ मानने साउथ रू आउथ इंडियन से मैसूर रू आणु से कौन कर गंग वंशर राजा मैंने मुख्यतः कोशल पर्यटन पहुंचा चेष्टा कर चोड़गंग देव कोशल पर्यटन जा सोम वंशर शेष राजा होती कर्णदेव कर्णकेशरी कर्णदेव लास्ट किंग ऑफ सोम डायनेस्टी सोम डायनेस्टी मतलब केसरी डायनेस्टी बोली मध्ये हम कहि थे कर्णदेव कर्ण केसरी नाम कारण वंश को सोम वंश व केसरी वंश पढ़ी ददाति केसरी पूर्व क्लास सोम वंश क्लास देखी ना फर्स्ट सोम वंश जा देखी बुझीजी ओके कर्ण केसरी को किए हरते अनंत वर्मन चोड़गंग देव जेहेतु से कर्ण केसरी को हरियाणा वेस्ट साइड को अधिक मुव कले तेणु सदर्न साइड रु कंट्रोल धीरे 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 ओमिट हो आसला से टोटल कलिंग को ही शासन करने को लगे सदर्न साइड रे जो कलिंग नगर वगैरह राजधानी थी सब से सब राजधानी तो रहा कलिंग नगर बट तर जो कंट्रोल अधिक कंट्रोल थी से धीरे धीरे खसवा को लगला कौन है अटैक बेंगल दंड का भूति बेंगल बेंगल गोटे जगह बर्तमान भी यह बेंगल रही जगह दंड का भूति बेंगल अटैक करते से कंट्रोल करते निज साम्राज्य सहित मिसाई थे या सहित तो यार राजधानी अरम्य को निजर कंट्रोल अंडर कंट्रोल को कंट्रोल कंट्रोल इट्स कैपिटल अरम्य कैपिटल नाम था अरम्य या निजर अंडर कंट्रोल को आए अनंत वर्मन चोड़गंग देव आज जब सब इम्पोर्टेंट वर्क देखा से जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य आरंभ कर गंग वंशर मंदिर मालिनी जमी पढ़ते सोम वंशर राजा मैंने भुवनेश्वर को मंदिर मालिनी करते चोड़गंग देव बा गंग डायनेस्टी किंग मैंने संपूर्ण ओडिशा को मंदिर मंदिर क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड रे प्रसिद्ध करपर भाव देखा से कौन कर जगन्नाथ टेम्पल पुरी
एक्चुअली एग्जाम अधिकांश समय जगन्नाथ टेम्पल पुरीर जो निर्माता क्वेश्चन आसी थाए अनंत वर्मन चोड़गंगादेव ही नाम आसी थाए कि बेले बेले नाम न आसी अनंग भीमदेव नाम आसी जाए जो दीटा नाम भितर गोटे भी जो अप्सन थाटा ही चूज कर था कारण चोड़गंगादेव स्टार्ट करते अनंत भीमदेव शेष करते कहुए बट के सोर्स रू जाना जाए मंदिर तो चोड़गंगादेव तैयारी करते बट मंदिर चतुर्पाश्वर जो भोग मंडप मंडप नाट मंडप अनंत भीमदेव आड कर नाम आसी था चोड़गंगादेव नोटेबुल वर्क यापर जन किंग आसते से हमारे ना राजा राजा से एगारश सतुरी रु एगारश नबे एडी पर्यंत शासन करियड कौन खास कम ना जहाँकि नोटेबुल केवल जयदेव आम समस्त जयदेव नाम शुणीचे जयदेव विषय में बहुत भल भल स्टोरी शुणचे जी जगन्नाथ संस्कृति को रूप देखते कहार गीत गोविंद जयदेव कहीं ना समस्त किसी ना कि अंश जानते हैं पढ़ी थे गीत गोविंद कहा जाए जे यदि गीत गोविंद पढ़ा जाए तो स्वयं प्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद शुणापी उपस्थित हो जाती ओके गीत गोविंद जयदेव जो थे ए पीरियड रे ए राजा पीरियड राजा राजा पीरियड रे जयदेव सान सामयिक थे से पीरियड रे से गीत गोविंद लिखी आसे अनंग भीमदेव बारश एगार बारश एगार एडी टू बारश अड़तीस एडी अनंग भीमदेव जहाँ टाइम पीरियड है बारश एगार एडी रु बारश अड़तीस एडी पीरियड राम डिफिटेड किंग ऑफ तमन्ना तमन्ना बोली गोटे जगह थी जार किंग को से डिफिट कर हराई जगह को बैंक ऑफ भीमा रिवर भीमा हूँ कौन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा कृष्णार से हूँ ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर बैंक रे जो किंग किंगडम थी तमन्ना किंगडम राजा को से हराई थिले या बाद कौन करते डॉक्टर 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 ऑफ अनंग भीमदेव चंद्रका देवी नाम कौन चंद्रका देवी चंद्रका देवी से कौन करते बुल्ट अनंत वासुदेव मंदिर अनंत वासुदेव टेम्पल कौटि अच्छे आपत कमेंट सेक्शन में जनवे मुझे कहूना ही आपंत वासुदेव टेम्पल कौटे अच्छे मत कमेंट सेक्शन में जनवे ओके पीरियड डॉक्टर चंद्रका देवी जे कि अनंत वासुदेव टेम्पल या पीरियड आउ इम्पोर्टा कम कौन होता से निजर कैपिटल सिफ्ट करते क्या पीरियड में कारण प्रथम कही दुटा कैपिटाल कलिंग नगर और अभिनव वाराणसी कटक था तेणु क्या पीरियड से कैपिटाल सिफ्ट होता कलिंग नगर कटक को अनंग भीमदेव पीरियड
capital shifted to Kalinga Nagar, shifted Kalinga Nagar to अभिनव वाराणसी कटक कटक को कहा टी पीरियड रे अनंग भीमदेव पीरियड रे कटक रु कलिंग नगर को कैपिटल शिफ्ट हेथिले अकॉर्डिंग टू मादला गांधी मादला गांधी हूँ कौन जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथ रेकर्ड रखा विजया दशमी दिन विजया दशमी मान दशहरा दिन विजया दशमी हूँ दशहरा कम विजया दशमी क्या जाए कहीं रामचंद्र सुदिन रावण विजय प्राप्त करते से विजया दशमी कही विजया दशमी दिन मादला कांजी में जगन्नाथ रेकर्ड सब लिखा हुए ओके जहाँकि जगन्नाथ टेम्पल रही मादला कांजी आम कही अकॉर्डिंग टू मादला कांजी अनुसार अनंग भीमदेव को अनंग भीमदेव विषय हिं पढ़ुचे से कौन कहते राउत बार डेपुटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ से निजकू लॉर्ड जगन्नाथ डेपुटी बोली कहते कौन केते सोर्स रु केते हिस्टोरी हिस्ट्री सोर्स रु ऐतिहासिक मानकर मानवा ये पीरियड रु ही ठाकुर जो चेरा छेरा पहरा नीति रही से छेरा पहरा नीति अनंग भीमदेव पीरियड रु ही स्टार्ट होता कितु के ऐतिहासिक सोर्स रु जना जाए ना यह गजपति राजा मान द्वारा ही शुरू कर से कौन कर मुख्यतः गंगा डायनेस्टी रो किंग माने कौन थे गंगा डायनेस्टी जो किंग सब रही फास्ट शैवभक्त थे शैवभक्त चोड़ गंगदेव बेसिकली शैवभक्त से वैष्णव धर्म भक्त होते वैष्णव धर्म को ग्रहण करते तेणु जेहेतु शैव वैष्णव धर्म को आसी वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म को अधिक प्रचार प्रसार कर शैव धर्म को टॉलरेंस रोज से डिवोटी रोच लॉर्ड शिवंकर ये कहार डिवोटी थे पुरुषोत्तम दुर्गा देवी एंड लॉर्ड शिव भगवान रुद्र रुद्र का शिवंकर पूजारी थे आज अनंग भीमदेव पीरियड रे आडेट नाट मंडप एंड भोग मंडप इन जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल नाट मंडप और भोग मंडप को आड करते किए अनंग भीम देव या पीरियड में एति सब होता कह जाए जो गर्भगृह ठाकुर रही से सब चोड़ंग देव पीरियड में हो जाता और भोग मंडप नाट मंडप आने के कार्य अनंग भीम देव पीरियड में होता कि मैक्सीम जब एग्जाम आसी था चोड़ंग देव ही अपसन थाए गंगा डायनेस्टी कथ जो आम पढ़े आम मुख्यतः तीनो मेन मेन राजा विषय में पढ़ी थाए से गोटे हेले चोड़गंग देव तापे अनंग भीमदेव तापे लांगुला नरसिंह देव लांगुला नरसिंह देव विषय में अनेक अनेक स्टोरी सब पढ़ीचे
एबे देखिबा लांगुड़ा नरसिंह देव जहां को कि प्रथम नरसिंह देव बोली मध्य कहा जाए। लांगुड़ा नरसिंह देव बा प्रथम नरसिंह देव बोली मध्य कहा जाए। 1238 रु 1264 एडी पर्यंत तांको टाइम पीरियड चलता कहार लांगुड़ा नरसिंह देवंकर टाइम काल भितर से मध्य अनेक किछि नोटेबल कार्य करते सोर्स रु जाना जाए जे एबे थारु ही लांगुड़ा नरसिंह देव ही टाइटल कौन ले जाइथिले गजपति या पर जितने सूर्य सूर्य डायनेस्टी आसीबो सूर्यवंश आसीबो सूर्यवंश राजा मान गजपति वंश मध्ये ताकु कह जाए कारण राजा मैंने निज नाम गजपति लगोथिले तापर भोई वंश आसीबो भोई वंश राजा मैंने निज नाम गजपति लगोथिले किंतु केते सोर्स आम जानिथाए जे लांगुड़ा नरसिंह देव मध्य निज नाम गजपति आड करिथिले उत्पत्ति आड करिथिले सदाशिव मठ और हिंदू सेंट मान सदाशिव मठ तैयारी कर इन भुवनेश्वर भुवनेश्वर रे से हिंदू सेंट मान सदाशिव मठ तैयारी करिथिले संस्कृत पोएट संस्कृत कोट पोएट विद्याधर रोड एकावली बोली मोटे ग्रंथ कोर्टर पोएट विद्याधर लिखी से कौन थे ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड सन बेसिकली लॉर्ड सूर्य भगवान बहुत बड़ा भक्त थे तेणु से सूर्य भगवान को पूजा कर सूर्य भगवान कोणार्कटी पुल बिल्ड कर आगे देखा से कहार कहार डिवोटी थे डिवोटी सन शिव दुर्गा पुरुषोत्तम जेहेतु सन सूर्य भगवान डिवोटी थे तेणु कौन निर्माण करणार्क टेम्पल जहाँकि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे परिणत होइछि केबे 1986 ख्रीष्टाब्दरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे तार नाम रहिछि ओके कोणार्क टेम्पल से निर्माण करते कोणार्क टेम्पल विषय में बहुत बहुत स्टोरी शुणुचे धर्मपद सैक्रिफाइसेस स्टोरी 1200 बढ़ई आउ विष्णु महाराण महान वर्क स्टोरी बहुत सारा मंदिर से तैयारी करती कपिलास टेम्पल एपिक कपिलास टेम्पल किए निर्माण कर ढेंकानाल जिले में रही कपिलास टेम्पल शिव भगवान कपिलास टेम्पल लांगुड़ा नरसिंह देव द्वारा निर्माण कर क्षीरचोरा गोपीनाथ टेम्पल
ଏହା କୋଉଠି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କି କପିଳାସ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିରିୟଡ଼ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ରେ କଲଚର୍ ଆଉ ରିଲିଜିଅନ୍ କିପରି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ତ ସେମାନେ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ଦେବଦାସୀ ସିଷ୍ଟମ କାରଣ ଏବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଦେବଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଛାପ ରହିଛି ବୋଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଦେବଦାସୀ କଲଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାପରେ ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମରେ ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ରାମାନୁଜ ରାମାନୁଜଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା ଆଉ ଜୟଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଇ ଟାଇମରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ 400 ବର୍ଷର ପିରିୟଡ଼ ହେଇଛି ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖି ପଢ଼ି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିପାରୁଛେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ନାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା କେବେ ନା କେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କାହା ପିରିୟଡ଼ରେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବ ବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ର ସାମସାମୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନାଟକ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ହଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ସମୟକୁ ଯେମିତି ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତିକି କାବ୍ୟ କବିତା ରହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଭାନୁଦେବ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭାନୁଦେବ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବା ହେତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହାବତ ରହିଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାରିବେ